जनपद सिद्धार्थनगर के संयुक्त जिला चिकित्सालय में भर्ती महिला को साई बेकर्स एंड स्वीट शॉप के मालिक अखिलेश जायसवाल, उम्र 25 वर्ष, पुत्र बनारसी लाल जायसवाल, निवासी ग्राम दंत रंगवा न्यू कॉलोनी थाना सदर प्रोप्राइटर साई स्वीट एंड बेकर्स हार्डिल चौराहा सिद्धार्थनगर ने पीड़ित गर्भवती महिला शारदा देवी उम्र 32 वर्ष, पत्नी संत गुलाम निवासी ग्राम पारा महादेवा थाना जोगिया को युवक अखिलेश जायसवाल ने रक्तदान कर जच्चा बच्चा को जीवन दान दिया। जीवन पाकर महिला के परिवार वालों ने कोटि कोटि धन्यवाद दिया। और ऐसे समय में युवक आजकल मदद हेतु आगे आ रहे हैं, जो बेहद सराहनीय कार्य है, जो आज युवाओं के विचार में देखा जा रहे, जिससे आम जनता को समय पर रक्तदान करके जीवन दान दिया जा रहा है। क्या नाम है आपका? अखिलेश। पिताजी का नाम? बनारसी लाल। कहाँ रहते हैं? मेरा मकान दतरंगवा है। थाना कौन सा? इधर थाना पड़ेगा। आपने जो ये रक्तदान किया है, कैसे जानकारी हुई कि उस व्यक्ति को ब्लड की जरूरत है? मैं अपने दुकान पे था तो रक्तदाता ब्रिजेश चौबे जी हमारे पास फोन किए कि अखिलेश जी और अस्पताल में एक गर्भवती महिला उसको रक्त देना है जी। तो दुकान पे हमारी भीड़ थी कि जी हम समय निकाल के गए, देखे बहुत परेशान थी जी। महिला फिर बोल दिया उसको एक मिनट, बड़ा अच्छा महसूस हुआ। मतलब जब ब्लड आप दे रहे थे तो आपके मन में क्या हो रहा था? उसमें अच्छा लग रहा था, डर लग रहा था कि नहीं, घबराहट नहीं था और मुझे अच्छा लगा रक्तदान देके। और ब्लड निकल जाने के बाद में क्या आपको कोई कमजोरी महसूस दे रही है? बस नॉर्मल थोड़ा सा उस समय थोड़ा सा झुंझलाहट था पैर में, फिर अभी सही है। तो जो ब्लड देने से लोग जो डरते हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जो खून देने से लोग डरते हैं, ऐसी कोई घबराहट की कोई बात नहीं है। और औसतन तो वैसे 3 महीने में एक बार आदमी खून दे ही सकता है। और मेरा मानना है कि समाज में ऐसे लोगों को आगे आना चाहिए और इससे समाज में इस तरह के जो खून के लिए लोग मरीज परेशान रहते हैं, आसानी से खून मिल जाएगा, परेशान नहीं होंगे। बाकी तो रक्तदाता विजय चौबे जी पर्याप्त हैं फिलहाल। यानी आपको प्रेरणा किसने दिया? प्रेरणा तो मुझे ब्रिजेश भैया से ही मिला है। और हम अपने ग्रुप के बच्चों को, हमारे साथ के जो लड़के हैं, उनको भी मैं इसके लिए जो है उनको एक सीख देता हूँ और हमारे साथ मिलके समाज में इस तरह की जो बीमारी है उसको दूर किया जाए और आगे आए इस समस्या को लेकर। अब इसके आगे और क्या करने वाले हैं? अब रक्त के मुहिम को लेकर के क्या करने वाले हैं? कोशिश यही हमारी कि कोई निराश ना हो, चाहे 2 बजे रात को, 3 बजे, एक ग्रुप बनाया जाए और ग्रुप बना के ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका लाभ दिया जाए। यानी एक ग्रुप बना करके लोगों को जागरूक किया जाए और जो पीड़ित है उनको सहयोग किया जाए। उनका सहयोग।